यर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय दो। यर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय दो। फिर यहोवा का वह वचन मेरे पास पहुंचा कि तू जाकर यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे कि यहोवा का यह वचन है कि तेरे विषय तेरे जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू जंगल में जहां भूमि ज्योति बोई न गई थी वहां मेरे पीछे पीछे चली आती थी। इसराइल यहोवा की पवित्र वस्तु और उसकी पहली उपज थी। उसे खाने वाले सब दोषी ठहरेंगे और विपत्ति में पड़ेंगे। यहोवा की यही वाणी है, हे याकूब के घराने, हे इसराइल के घराने के सारे कुलों के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा ने यो कहा है कि तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन ऐसी कुटिलता पाई कि वे मेरी ओर से हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर आप भी निकम्मे हो गए। उन्होंने इतना भी न कहा कि जो हमको मिस्र देश से निकाल ले आया और जंगल में और रेत और गड्ढों से भरे हुए निर्जल और घोर अंधकार के देश से जिसमें से होकर कोई नहीं चलता था और जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता था, ऐसे देश में से हमको ले आया, वह यहोवा कहाँ है? मैं तो तुमको उस उपजाऊ देश में ले आया कि उसका फल और उत्तम उपज खाओ, परंतु तुमने मेरे इस देश में आकर इसको अशुद्ध किया और मेरे इस निज भाग को घृणित कर दिया है। याजकों ने भी नहीं पूछा कि यहोवा कहाँ है, और जो व्यवस्था से काम रखते थे वे भी मुझको न जानते थे। फिर चरवाहों ने मुझसे बलवा किया और भविष्यवक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की और निष्फल बातों के पीछे चले। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं फिर तुमसे झगड़ूंगा और तुम्हारे बेटे पोतों से भी झगड़ा करूंगा। कित्तियों के द्वीपों में पार उतर के देखो और केदार में दूत भेजकर भली भांति विचार करो और देखो कि ऐसा काम कहीं हुआ है कि नहीं। क्या किसी जाति ने अपने देवताओं को जो परमेश्वर नहीं है बदल दिया? परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु में बदल दिया है। यहोवा की यह वाणी है कि हे आकाश चकित हो और बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा, क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की है। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिया, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और उनमें जल नहीं ठहरता। क्या इसराइल दास है? क्या वह घर में जन्मा हुआ दास है? फिर वह क्यों लूटा गया है? जवान सिंहों ने उसके विरुद्ध गरज कर नाद किया, उन्होंने उसके देश को उजाड़ दिया है और उसके नगरों को ऐसा फूंक दिया है कि उनमें कोई बसने वाला न रहा। और नोप और तहपनेस के निवासी तेरे देश की उपज चट कर गए हैं। क्या यह तेरे ही करने का फल नहीं? क्योंकि जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे मार्ग में लिए चलता था तब तूने उसको छोड़ दिया, और अब तुझे मिस्र के मार्ग से क्या काम है कि तू सिहोर का जल पिए? और तुझे अश्शूर के मार्ग से भी क्या काम कि तू महानद का जल पिए? तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तेरे लिए दंड होगा। निश्चय करके देख कि तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया और तुझे मेरा भय नहीं रहा, यह बुरी और कड़वी बात है। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि युग बीता कि मैंने तो तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा मैं सेवा न करूंगी और सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के तले तू व्यभिचारिणी का सा काम करती रही। मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और सच्चाई का
बीज करके लगाया था कि तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई, चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी काम में ले आए, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने पक्का बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तू क्यों कर कह सकती है कि मैं अशुद्ध नहीं, मैं बाल देवताओं के पीछे नहीं चली। तू तराई में की अपनी चाल देख और जान कि तूने क्या किया है। तू वेग से चलने वाली और इधर उधर फिरने वाली सांडनी है, जंगल में पड़ी हुई और कामातुर होकर वायु सूंघने वाली जंगली गधी जब काम में वश होती तब कौन उसको लौटा सकता है। जितने उसको ढूंढेंगे वे व्यर्थ परिश्रम न करेंगे, क्योंकि वे उसको उसके कृतु में पाएंगे। तू नंगे पाव और गला सुखाए न रह, परंतु तूने कहा कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा प्रेम दूसरों से लग गया है, इसलिए उनके पीछे चली चलती हूं। जैसा चोर पकड़े जाने पर लज्जित होता है, वैसा ही इस्राएल का घराना राजाओं, हाकिमों, याजकों और भविष्यवक्ताओं समेत लज्जित होता है। वे कांट से कहते हैं कि तू मेरा बाप है, और पत्थर से कहते हैं कि तूने मुझे जन्म दिया है। इस प्रकार उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं पीठ ही फेरी है। परंतु विपत्ति के समय वे कहेंगे कि उठकर हमें बचा, परंतु जो देवता तूने बना लिए हैं वे कहां रहे? क्योंकि हे यहूदा, तेरे देवता तेरे नगरों के बराबर बहुत है। यदि वे तेरी विपत्ति के समय तुझे बचा सकते हैं तो अभी उठे। तुम मेरे संग क्यों वाद विवाद करोगे? तुम सबों ने मुझसे बलवा किया है, यहोवा की यही वाणी है। मैंने व्यर्थ ही तुम्हारे बेटों को दुख दिया, उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। तुमने अपने भविष्यवक्ताओं को अपनी तलवार से ऐसा काट डाला है जैसा सिंह नाश करता है। हे इस समय के लोगों, यहोवा के इस वचन पर ध्यान दो कि क्या मैं इस्राएल के लिए जंगल व घोर अंधकार का देश बना हूं? मेरी प्रजा क्यों कहती है कि हम जो छोटे हैं सो तेरे पास फिर न आएंगे? क्या कुमारी अपने सिंगार व दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? तो भी मेरी प्रजा ने मुझे युगों से बिसरा दिया है। प्रेम लगाने के लिए तू कैसी सुंदर चाल चलती है! तूने बुरी स्त्रियों को भी अपनी सी चाल सिखाई है कि तेरे घाघरे में निर्दोष दरिद्र लोगों के लोह का चिन्ह पाया जाता है। तूने उन्हें सेंध मारते नहीं पकड़ा, परंतु इन सबके कारण उन्हें बध किया। तो भी तू कहती है कि मैं तो निर्दोष हूं। निश्चय उसका क्रोध मुझ पर से हट जाएगा। देख, तू जो कहती है कि मैंने पाप नहीं किया, इसलिए मैं तुझसे मुकदमा लड़ूंगा। तू क्यों नया मार्ग पकड़ने के लिए इतनी डावाडोली फिरती है? जैसे अश्शूरियों से तू लज्जित हुई, वैसे ही मिस्रियों से भी होगी। वहां से भी तू सिर पर हाथ रखे हुए यूं ही चली आएगी, क्योंकि जिन पर तूने भरोसा रखा है यहोवा ने उनको निकम्मा ठहराया है, और तू उनके कारण सफल न होगी।